प्यार और इज्जत से वो वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति किसान नहीं है, जैसे मैं तो किसान नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाती हूँ, एकेडमिक हूँ, तो बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नज़रिया है बाकी लोगों का। मैं तो दिल्ली से आती हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं, और मैं तो समर्थन में आई हूँ। तो बहुत ही वार्म वेलकम, बहुत ही स्वागत के साथ खिलाना पिलाना, और फिर पॉलिटिक्स पे बात करना कि क्यों, समझाने की कोशिश कि क्यों वो डटे हुए हैं यहाँ पर, क्यों वो भी घर जा सकते हैं और क्यों यहाँ पे डटे रहना उनके लिए ज़रूरी है। सही बात है कि एक जो लिबरल तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है या एक एकेडमिक तबका है, वो ये तो मान ही रहा है कि ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक जीत है, स्पेशली इस दौर में एक ऐतिहासिक संघर्ष रहा और उसमें जीत पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जान रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं सरकार के पास कॉर्पोरेटों को मंडियों में लाने में, किसानों की ज़मीन अनाज उनसे ले लेने में, MSP ना देने में। तो कुछ एप्रिहेंशंस भी हैं कि पता नहीं ये सरकार कहाँ तक इस बात पे टिकी रहेगी। बिल्कुल पकड़ पकड़ के खिलाया जाता है। इनफैक्ट अभी ही बस 5 मिनट पहले ही एक बुजुर्ग ग्रुप बैठा हुआ था, हरियाणा गोहाना से आए हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी फोटो खींच दीजिए। और फिर मैंने कहा, उन्होंने चाय पूछी, मैंने कहा चाय तो पीनी है लेकिन साथ ही साथ भूख लग रही है, कुछ बचा है खाने के लिए? तो उन्होंने बस बोला तुरंत, अरे इतनी क्या खाने की क्या बात है, और तुरंत खाना पेश हो गया। तो बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ सभी से वो पेश आते हैं। और मुझे तो हमेशा, चाहे यहाँ हो, चाहे टेकरी हो, चाहे गाजीपुर हो, हमेशा बहुत बहुत प्यार और सम्मान मिला है मोर्चे से। किसान संघर्ष दे विच बहुत सारे लोग आउंदे ने किसानां दे नाल, और उन्हां चों एक ने कणिका सिंह हिस्टोरियन ने, हिस्टरी दे उपर रिसर्च करदे ने और प्रोफेसर ने हिस्टरी दे ही अशोका यूनिवर्सिटी दे विच, ते उन्हां दे नाल आपां गल्लबात करदे हां। सत श्री अकाल मैम साहब। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैप्चर भी कर रहे हो जी कैमरे की अख नाल भी, वैसे भी तुसीं अंदोलन नूं देख रहे हो, और अज एक साल हो गया, किदां तुहानूं लग्या इत्थे किसानां दे विच? किसानों की बहुत बड़ी जीत है, और मतलब उनके संघर्ष के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। मैं कई बार आ चुकी हूँ किसान आंदोलन को कवर करने, यहाँ सिंघू, फिर टिकरी, फिर गाजीपुर, आज भी मैं टिकरी से पहले टिकरी गई थी, फिर यहाँ आई हूँ। तो किसानों से बातचीत कर रही हूँ, हौसले उनका बुलंद है, और मुझे और उनको ये भी लगता है कि एक बहुत हक की लड़ाई है और सच की लड़ाई है, तो इसलिए वो डटे हुए हैं। मुझे भी उनके साथ इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। अब जब किसान शहीद भी हुए और अब सेलिब्रेशन का टाइम भी है, और यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हो रही है किसानों के बीच में, तो महसूस कैसा आज के समय में, कैसे महसूस हो रहा? पहले भी आप आते रहे हो अक्सर, बट आज क्या लगा आपको? तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, मतलब इतनी लंबी इतना लंबा संघर्ष, इतना कुछ सहने के बाद, करीब 700 लोग मर गए मोर्चे पर आंदोलन में, मतलब बिजली, पानी, इंटरनेट सब बंद, इतनी गर्मी में, सर्दी में फिर भी डटे रहना, तो यहाँ आके हमेशा एक हौसला अफजाई तो होती ही है आपकी, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि ये लोग अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोई सड़क पर क्यों रहना चाहेगा। तो जैसा मैंने कहा कि वैसे तो मेरा काम भी पंजाब पर है, लेकिन तो एक मेरा वो भी एकेडमिक इंटरेस्ट भी है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल भी, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि किस चीज़ की वैल्यू है एज सिटीज़न ऑफ इंडिया ऑल्सो, मतलब किसानों के हक में, कॉर्पोरेट्स के खिलाफ, और सच्चाई के हक में, एक तरह से डेमोक्रेसी के हक में। तो बहुत ही इंस्पायरिंग। और बुज़ुर्ग मताएं यहाँ पर थी, और बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग भी बहुत लंबा समय यहाँ पे बैठे, और जब उनके बीच में आते हो आप, तो उन वो तब की फीलिंग्स क्या होती हैं? बहुत प्यार और इज्जत से वो वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति किसान नहीं है, जैसे मैं तो किसान नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाती हूँ, एकेडमिक हूँ, तो बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नज़रिया है बाकी लोगों का, और मैं तो दिल्ली से आती हूँ, कि लोग क्या सोच रहे हैं, और मैं तो समर्थन में आई हूँ। तो बहुत ही वार्म वेलकम, बहुत ही स्वागत के साथ खिलाना पिलाना, और फिर पॉलिटिक्स पे बात करना कि क्यों, समझाने की कोशिश
कि क्यों वो डटे हुए हैं यहाँ पर, क्यों वो भी घर जा सकते हैं और क्यों यहाँ पर डटे रहना उनके लिए ज़रूरी है। इस जीत के बाद क्या बातें चलेगी फैमिली टेबल पे? लगता है कुछ दिल्ली जैसे शहर से आता हुआ क्या चल रहा होगा? दिल्ली जैसे शहर में एटलीस्ट जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, इन सभी में इस आंदोलन को लेकर किसानों के प्रति बहुत सपोर्ट है। कई चीज़ें उन्हें भी नहीं पता है क्लियरली कि क्यों और क्या एग्जैक्ट मुद्दे हैं, जो टेक्निकलिटी मेरे आसपास रिसर्च सर्कल में या परिवार में या दोस्तों में तो इसको लेके काफ़ी समर्थन है, लेकिन कई सवाल भी हैं कि क्या रिफॉर्म के नाम पे जो हो रहा है क्या वो बुरा है? ये जो एक सवाल है बहुत रिफॉर्म और रिफॉर्म वापस भी लेने जी इसको लेके कई सवाल रहते हैं लोगों के। फिर 26 जनवरी को जो हुआ उसको लेके सवाल रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटी किसान कोई है, एटलीस्ट मेरे जान पहचान में, तो ये मुझे लगता है अच्छी बात है इस दौर में। खास तौर पे आप इंटेलेक्चुअल क्लास में आप विचरते होगे, उस बैठना उठना वहाँ बातें होती होगी, तो जीत के बाद कैसी रिपील हो गए? रिपील के पहले होता था भी प्रधानमंत्री जो आज तक जितने भी लॉ लेके आए हैं तो मेजोरिटी के नाल कोई वापस नहीं होया फार्मूला। तो ये तो एक सही बात है कि एक जो लिबरल तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है या एक एकेडमिक तबका है, वो ये तो मान ही रहा है कि ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक जीत है, स्पेशली इस दौर में एक ऐतिहासिक संघर्ष रहा और उसमें जीत पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जान रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं सरकार के पास कॉरपोरेटों को मंडियों में लाने में, किसानों की ज़मीन अनाज उनसे ले लेने में, MSP ना देने में, तो कुछ एप्रिहेंशंस भी हैं कुछ कि पता नहीं ये सरकार कहाँ तक इस बात पे टिकी रहेगी, देखते हैं। और जब आप यहाँ पे आते तो बुज़ुर्ग जहाँ यहाँ के जो किसान हैं कैसे ऑनर करते थे, कैसे वेलकम होता था, आपको चाय पानी पूछा जाता था? बिल्कुल पकड़ पकड़ के खिलाया जाता है। इनफैक्ट अभी ही बस 5 मिनट पहले ही एक बुज़ुर्ग ग्रुप बैठा हुआ था, हरियाणा गोहाना से आए हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी फ़ोटो खींच दीजिए, और फिर मैंने कहा, उन्होंने चाय पूछी, मैंने कहा चाय तो पीनी है लेकिन साथ ही साथ भूख लग रही है, कुछ बचा है खाने के लिए? तो उन्होंने बस बोला तुरंत, अरे इतनी क्या खाने की क्या बात है, और तुरंत खाना पेश हो गया। तो बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ सभी से वो पेश आते हैं, और मुझे तो हमेशा, चाहे यहाँ हो, चाहे टीकरी हो, चाहे गाजीपुर हो, हमेशा बहुत प्यार और सम्मान मिला है मोर्चे से। थैंक यू। तो ये सन मैडम जिन्हों के नाल तुसी गलबात सुनी है, तो हर एक तबका की सोचता है, इन्हों की इस इंटरव्यू करने का मकसद यह सीगा कि किस तरह इंटलैक्चुअल लोग जेडे किस तरह देख रहे हैं इस हिस्टोरिक जित नू। कैमरे ते मेरा साथ दे रहे सी बब्बू, मैं मनप्रीत, धन्यवाद। पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ, तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते, अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज़, विजिट करो www.nirpakhpost.com।